हमारी सृष्टि अपने कोख में कई जीवों का पालन करती है, जहां पर हम इंसान समेत कई ऐसे जीव भी हैं जो अपने अस्तित्व के लिए हर रोज लड़ते हैं। जिस तरह हम इंसान सृष्टि के लिए विनाश का प्रतीक है, उसी तरह इस संसार के सारे पंछी जीवन का प्रतीक। उसी जीवन की उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं ये छोटे से नन्हे काला सिर बुलबुल के बच्चे। सुबह की चहल पहल में भूख से शोर मचाते इन बच्चों के माता पिता फिलहाल खाने की तलाश में गए हैं। कालासिर बुलबुल अपने बच्चों का भरण पोषण माता और पिता दोनों साथ मिलकर करते हैं। इनके खाद्य में मुख्यतः कीटक, बीज, कवक, शहद आदि शामिल होता है। माँ अपने बच्चों के लिए सुबह का नाश्ता लाई है, लेकिन इतने से इनका पेट नहीं भरेगा, इन्हें और खाना जुटाना होगा। इनके प्रजनन का मुख्य समय फरवरी से मई महीने तक होता है। एक समय में मादा बुलबुल 2 से 3 अंडे देती है, जिसका रंग हल्का सा गुलाबी होता है और उन पर भूरे रंग के धब्बे होते हैं। वैसे तो इनके घोंसले 1 से 10 मीटर ऊंचे पेड़ों पर होते हैं, लेकिन बदलते मौसम और समय अनुसार इन्होंने इंसानों के साथ भी रहना सीख लिया है। रात होते ही माता पिता घोंसले के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि रात में शिकारियों का खतरा ज्यादा होता है। नए दिन की शुरुआत नए उम्मीदों से होती है। रोजमर्रा की तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए खाना जुटाने में लगे हैं और यहाँ बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज एक बच्चा कम दिख रहा है। शायद घोंसले से नीचे गिरने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। जीवन की इस दौड़ में रुकना मना है। अपने वंश और परंपराओं के लिए लड़ते ये पंछी आशिया खंड में पूरे भारत के साथ साथ बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार देशों जैसे उष्णकटिबंधीय इलाकों में पाए जाते हैं, जो आकार में 8 इंच के होते हैं। काला सिर बुलबुल के शरीर का रंग हल्का सा भूरा, सिर काला जिस पर काले रंग की चोटी होती है, पीठ और छाती पर रेखाएं होती है, जबकि पीठ के पीछे का भाग सफ़ेद होता है जो उड़ते वक्त साफ साफ दिखाई देता है। नर और मादा दिखने में एक समान ही होते हैं। इनके पहचान की मुख्य विशेषता इनका पार्श्व भाग लाल रंग का होता है। कुछ समय बाद बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और हर रोज की तरह उनके माता पिता उनका भरण पोषण कर रहे हैं। काला सिर बुलबुल के बच्चों द्वारा निकाले गए मैल को बुलबुल सामान्य तौर पर निगल जाती है, जिससे घोंसला साफ सुथरा भी रहता है और बच्चे अन्य बीमारी या कीटकों से सुरक्षित रहते हैं। काला सिर बुलबुल का शास्त्रीय नाम पिक्नोनोटस कैफर है। अन्य भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी में इसे रेड वेंटेड बुलबुल, संस्कृत में कृष्णचूड़, मराठी में लाल बुड़ाचा बुलबुल, हिंदी में काला सिर बुलबुल और गुलदुम के नाम से भी जाना जाता है। कुछ दिनों बाद घोंसला खाली दिख रहा है, जिसमें से एक बच्चे ने अपने जीवन की डोर कस ली है, जिसे आगे चलकर बड़े संघर्षमय जीवन का सामना करना है, कई मुश्किलों के साथ ढलना है और अपने वंश को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सृष्टि अपने कोख में जीवन को बढ़ाती है।